बजरी पर रॉयल्टी लगने से और बजरी महंगी होने के बाद ठेकेदार बजरी की जगह क्रेशर प्लांट की डस्ट काम में लाने लगे हैं और घटिया सामग्री से निर्माण करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत फतेहगढ़ के धानमा सागर की मोरी नंबर 2 का देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी में क्रेशर प्लांट की डस्ट मिलाकर निर्माण किया जा रहा है। बजरी के नाम पर भुट्टा मिट्टी काम में लाई जा रही है और साथ ही पत्थर भी गोल टाइप के बिल्कुल घटिया किस्म के लाए जा रहे हैं। अगर इसी तरह निर्माण होता रहा तो यह नहर 6 माह भी नहीं टिक पाएगी। घटिया सामग्री से हो रहे निर्माण कार्य को बंद भी करवाया था, लेकिन ग्रामीणों के जाने के कुछ देर बाद फिर से घटिया सामग्री से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने मीडिया का सहारा लिया और एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम को मौके पर बुलाया और अपनी समस्या बताई। आज हम केकड़ी जिले के फतेहगढ़ ग्राम पंचायत में है और यहाँ एक धानमा सागर बंधा है, उसकी मोरी का कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें डस्ट लगाई जा रही है और डस्ट से जो काम निर्माण किया जाता है वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है, और इसको लेकर हमने विरोध भी जताया है और इनको निर्माण करने से भी मना कर दिया है, लेकिन ये निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो अपना विरोध क्यों दर्ज करवा रहे हैं, क्यों ये काम बंद करवा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? काम बंद साहब माना तो बढ़िया साहब, ओके काम नहीं तो क्या क्या कमी नजर आ रही है इसमें? आ तो गारा है, सीमेंट सारी है, बजरी साहब है, डेक से मिला रही है, डस्ट मिला रहे हैं, क्रेशर प्लांट की डस्ट मिला रहे हैं, क्रेशर प्लांट की डस्ट है, देखो ना, देखो डेक्स दिख रही है साफ, बजरी होनी चाहिए नजर आ रही है। हाँ ये बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इसमें क्या है, जब से बजरी महंगी हुई है तब से ठेकेदार क्रेशर प्लांट की डस्ट को खरीद कर चालू करवा लाया गया और इस बजरी में मिलाकर डस्ट से निर्माण कर रहे हैं, जिससे कह सकते हैं कि ऐसी मिट्टी है जिससे कि निर्माण होने पर वह कुछ ही दिनों तक चल पाएगी और वह टूट जाएगी। तो ये 6 महीना भी चल नहीं पाएगी। बिल्कुल, प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? प्रशासन से आ जाओ माना तो बजरी में चुनाई जाओ, नहीं तो काम नहीं बंद कर दी। तो आपने इनको काम बंद करने के लिए नहीं कहा क्या? किया ना ना आज काम बंद करने के लिए बोला, फिर भी वापस काम लगा दिया इन्होंने, हमने गए और वापस लगा दिया काम, मान ही नहीं रहे। ग्रामीणों का ये कहना है कि हमने ये निर्माण कार्य बंद करवा दिया था, लेकिन ठेकेदार की दादागिरी के चलते ये कार्य निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है और ग्रामीण चाहते हैं कि हम घटिया निर्माण नहीं करवाना चाहते हैं और अच्छी गुणवत्ता का ही निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। अगर अच्छी गुणवत्ता के साथ अगर ये निर्माण कार्य करते हैं तो हम उसमें सहमत है, और घटिया सामग्री से अगर निर्माण करेंगे तो हम इससे सहमत नहीं है और निर्माण कार्य को बंद करवाएंगे। ये थे ग्रामीण जिन्होंने एक्सप्रेस न्यूज भारत को अपनी समस्या बताई है। एक्सप्रेस न्यूज भारत से मैं अपना कैमरामैन सहयोगी के साथ इकबाल अहमद।